और वही हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद रहे और राजीव कॉलोनी में निजी संस्था की तरफ से दी गई 5,000 कोरोना बचाव किट वितरण किए। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री ने नगर निगम में सेवा के लिए दिए गए पीने के पानी के टैंकर और अन्य जरूरी सामान को नगर निगम को समर्पित किया और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को कोरोना महामारी में अपनी सेवाएं देने पर सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री ने लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश दिया और कहा कि सभी कोविड की गाइडलाइंस का पालन करें। 5,000 लोगों को छोटी किट बना के दी है जो कोरोना के काम आएंगी, कोरोना मरीज है और परिवार में कोई इस तरह की हार बीमारी हो उसके लिए कोई दवाई है, गोली है, इस तरह की किट प्राइवेट संस्था के लोगों ने हमें दी है। और इसी तरह से हमें ट्रैक्टर है, कोई जनरेटर टाइप ट्रैक्टर है या अपना पानी की सप्लाई, पानी की किसी इलाके में पानी नहीं है कि शर्म के इलाके में कहीं पानी भेजना हो। और कलम सेवा भारती के रूप में कल का दिन हम मनाएंगे 30 तारीख को, और जगह जगह सैनिटाइज का प्रोग्राम है, जगह जगह लोगों को अपना जो कोरोना से कैसे बचना है, कैसे अपना ध्यान रखना है, इस तरह के कई कार्यक्रम हैं। और वहाँ पे किट भी देंगे हम लोगों को, और किट देने के साथ साथ एक पत्र भी देंगे जिससे पत्र को जानकारी हो कि कोरोना से बच के रहना है और क्या क्या काम मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस समय सेवा भाव से क्या क्या समय जो दिया है और लोगों के प्रति जो जागरूक है